हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल एकेडमिक एंड करियर रिसोर्स सेंटर पे। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम रेगुलरली आपको ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, स्टडी और रिसर्च टूल के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। सभी फील्ड के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आज हम आपके लिए एक नया स्टडी प्लेटफॉर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जिसका नाम है humanbiodigital.com, जो कि फ्री है। इसका पेड वर्जन भी है और पूरी तरह से वर्चुअल है और 3D बॉडी मॉडल के थ्रू यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी, डिजीज और ट्रीटमेंट के बारे में आपको पूरा 3D मॉडल के थ्रू आपको समझाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा स्टडी प्लेटफॉर्म है। 10th, 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, नीट एस्पायरेंट्स जो स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो 3D मॉडल के थ्रू उनको समझना थोड़ा इजी रहेगा। इसके अलावा MBBS, फार्मेसी, नर्सिंग और बायोटेक और हेल्थ साइंस के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो उसको किस तरह से यूज़ करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। तो आप जब गूगल पे सर्च करेंगे ह्यूमन बायो डिजिटल, तो जो इस तरह से इसका वेब पेज खुल जाएगा, human.biodigital.com। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा इसका होम पेज खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे 3D मॉडल्स इन्होंने बता रखे हैं, और यहाँ पे जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप देख सकते हैं एनाटॉमी बाय रीजन, एनाटॉमी बाय सिस्टम, और स्पेशलिटीज़ के अकॉर्डिंग भी इन्होंने वीडियो डाला के कार्डियोलॉजी, डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी। जैसे आप एनाटॉमी बाय रीजन सर्च करोगे तो एनाटॉमी बाय रीजन में आप देख सकते हैं बीक, ब्रेन, फीमेल एब्डोमन, फीमेल पेल्विस, रीजन के अकॉर्डिंग आपको पूरा उसकी एनाटॉमी। आप सब क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड वीडियो सारे आपके पास आ जाएंगे। या फिर आप फर्दर कार्डियोलॉजी के ऊपर सर्च करोगे तो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे और आप उसको देख के लर्न कर पाओगे। इसी तरह से स्पेशलिटीज़ में अगर जाए तो डर्मेटोलॉजी, तो डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो यूट्यूबर दे रखा है, तो आप व्यू करके आप उसको पूरा लर्न कर सकते हैं। इसी तरह से न्यूरो और साइकेट्रिक से रिलेटेड जो वीडियो, अगर उस फील्ड में आप जाओगे तो उससे रिलेटेड जो भी वीडियो है वो आपके सामने होंगे। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, एंटीकोगुलेंट ये एक वीडियो है, इसको भी जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से पूरा लॉन्च होगा। पूरा उस पर क्लिक करने के बाद पहले वो लॉन्च होगा, कुछ देर में लॉन्च होने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा बता रखा है। यहाँ पे आपको पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, और यहाँ पे वो पूरा 3D व्यू में आपको वो समझाएगा। जैसे यहाँ पे आप जब प्लस पे क्लिक करेंगे ये पूरा जूम इन हो जाएगा, पूरा एक्सप्लेन करेगा। आप इसको ट्रैक करके अलग अलग व्यू में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं तो ये फर्स्ट इनका है, फिर जैसे आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बता रखा है कि किस तरह से थ्रोम्बिन जो एंटीकोगुलेंट किस तरह से वर्क करता है, तो वो बताया है कि किस तरह से वो उस पर अटैच होगा, थ्रोम्बिन और फाइब्रिन कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है आपका, फिर वो पूरा प्रोसेस बता रखा है एंटीकोगुलेंट किस तरह से वर्क कर रहा है एंटीकोगुलेंट व्यू में, तो पूरा 3D व्यू में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा उसको समझाएगा भी। यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन है पूरा, इसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे, और ये फिर फाइनल उसका आउटकम क्या होगा ये पूरा इन्होंने बता रखा है कि ये देखिए ये क्लॉट बन रहा था, फिर एंटीकोगुलेंट ब्लू वाले जो पार्टिकल आए तो किस तरह से जो क्लॉट था वो डिजॉल्व होके फिर ब्लड फ्लो स्मूथली हो रहा है। तो ये पूरा इन्होंने वीडियो के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रखा है। आप अलग अलग इसको जूम इन, जूम आउट भी कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट और टीचर सभी के लिए काफ़ी अच्छा हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है, स्टडी प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से नेक्स्ट, जैसे आप अपोइट्स के ऊपर, जैसे अपोइट्स किस तरह से अपोइट रिसेप्टर है वो किस तरह से एक्ट करते हैं, तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इन्होंने बता रखा है न्यूरॉन, अपोइट्स, अपोइट रिसेप्टर, ये जो पिंक में है वो अपोइड है, और ये ब्लू है एंडोर्फिन है, और ये अपोइट रिसेप्टर है। तो वो पूरा उसमें जैसे जैसे आप आगे करेंगे तो अपोइट रिसेप्टर से एक्ट होता है, फिर एंडोर्फिन रिलीज होता है और वो एंडोर्फिन रिसेप्टर पर क्लिक बाइंड होता है। तो ये पूरा इन्होंने इसको एक्सप्लेन कर रखा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरा इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये स्टडी के लिए, सभी फील्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए, लाइफ साइंस और मेडिसिन और फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हो, अपग्रेड करने के ऊपर आपको अनलिमिटेड वीडियो व्यू मिलेंगे। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करोगे तो आप लिमिटेड व्यू ही आप पर मंथ में देख पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो प्लेटफॉर्म है human.biodigital काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।